कोविड 19 को लेकर तैयारी पूरे जिले के अधिकारी कमल तनुज ने जानकारी देते हुए कहा कि 16 जनवरी को पहले चरण में तमाम स्वास्थ्य कर्मी ICDS कर्मी जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है उन लोगों को टीका दिया जाएगा, जिसके लिए जिला में 9 केंद्र बनाए गए हैं जहां तमाम मानवों को पूरा करते हुए कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। लोगों को अफवाह से बचाने की जिला प्रशासन अपील की है। जिला अधिकारी ने कहा कि ये कोरोना वैक्सीन तमाम मानवों को पूरा करते हुए पूरी तरह से। बता दूं, कटिहार जिला में अभी तक 5,37,445 कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 7,340 अब तक कुल पॉजिटिव पाए गए थे। वर्तमान में 12 एक्टिव केसेस कटिहार में हैं। इस बैकग्राउंड में संपूर्ण भारत में एक साथ पहले चरण में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। बिहार के कुल 300 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें से कटिहार में 9 जगहों को वैक्सीनेशन सेंटर्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें 8 सरकारी संस्थान होंगे और 1 प्राइवेट संस्थान होगा। प्राइवेट संस्थान कटिहार मेडिकल कॉलेज के रूप में चिन्हित किया गया है। 8 सरकारी संस्थानों में सदर अस्पताल है, बारसोई, मनिहारी, कदवा, कोढ़ा, कुरसेला, फलका और डंडखोड़ा के हेल्थ फैसिलिटीज शामिल हैं। प्रतिदिन 1 टीकाकरण स्थल पर 100 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में जो कि 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और ICDS के कार्यकर्ताओं का, ICDS के जो कर्मी हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। इनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थानों के स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहेंगे और चिकित्सक से लेकर सफाई कर्मी तक सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस हेतु ये जानकारी देना आवश्यक है कि जिन कर्मियों का पंजीकरण पूर्व से किया गया है उन्हीं कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। कटिहार जिला में अब तक 16,469 स्वास्थ्य कर्मी, ICDS कर्मी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों अब तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। आज अंतिम तिथि है पंजीकरण की। जितने लोग पंजीकृत होंगे उनको मोबाइल पे मैसेज जाएगा और एक टीकाकरण स्थल पर 100 लोगों को बुलाया जाएगा और उनका टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में 14,830 कर्मी रजिस्टर्ड किए गए और निजी संस्था और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 1,845 कर्मी पंजीकृत किए गए। इसके बाद जो अगला चरण होगा उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें डिफेंस, पैरामिलिट्री, जेल, रेड क्रॉस, म्यूनिसिपल वर्कर्स, इन लोगों को शामिल किया जाएगा और उसमें 50 वर्ष से अधिक आयु और कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स को शामिल किया जाएगा। अभी ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और ICDS कर्मियों के लिए। इसमें एक चीज बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग कहना चाहेंगे कि यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित और कारगर है। हर प्रकार के टेस्ट से ये निखर के आई है। इसका फुल इम्यूनोजेनिक इफेक्ट शरीर में एक नियत अवधि के बाद आता है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज देनी होती है और उसके 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू करती है। ये नहीं समझना है कि आज हमें वैक्सीन लगी और तुरंत हम इम्यून हो गए, ये इस चीज को बिल्कुल भी नहीं दिमाग में लाना है। ये ध्यान रखना है कि पहली वैक्सीन की डोज जब पड़ेगी उसके 45 दिन बाद ही एंटीबॉडी डेवलप होने की हम लोग उम्मीद करेंगे, और वो भी तब जबकि 28 दिन बाद दूसरी डोज भी ले ली गई हो। और इस पूरी अवधि में बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी शिथिलता के कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करना है। ये सब लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे जो कि वैक्सीन लेने आ रहे हैं और जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आम पब्लिक भी जो उनको देख रही है, इस चीज का आप ध्यान रखेगी कि वैक्सीन लेने के 45 दिन तक किसी भी तरह की शिथिलता नहीं करनी है और कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी। 45 दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू होती है, वो भी तब जबकि 28 दिन पर दूसरी डोज ले ली हो। तो इसलिए आवश्यक है कि कोविड का बचाव का पूरा प्रोटोकॉल सभी लाभार्थी पहली सुई लगने के बाद 45 दिन तक अवश्य करें। तो किसी प्रकार की अफवाह से सब बचेंगे, ये हम लोग अपील करते हैं। सारी वैक्सीनेशन साइट्स, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनको हम लोग 15 तारीख को पूरी तरह सैनिटाइज करा देंगे। मीडिया अगर देखना चाहे तो 14 तारीख को मीडिया जाके वैक्सीनेशन सेंटर्स देख सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स मुख्यतः कुछ भागों में बटा है। सबसे पहले पहचान होगी लाभुक की, फिर रजिस्ट्रेशन उसका होगा, मिलान किया जाएगा, फिर टीकाकरण होगा और टीकाकरण के बाद प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर में एक वेटिंग एरिया रखा गया है।
क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में जो लाभार्थी है उसको रखना अनिवार्य है। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। इस आधे घंटे में अगर AEFI जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर कुछ डेवलप होता है तो तुरंत उसका उपचार किया जाएगा। ये कुछ बहुत सीरियस बात नहीं है। कोई भी वैक्सीन अगर होगी, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कोविड, कोई भी वैक्सीन होगी तो AEFI का हम लोग सतर्कता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का संशय है क्या, दिस इज अ नॉर्मल प्रोटोकॉल जिसे हम लोगों को पालन करना है, तो हम लोग उस हिसाब से अलर्ट रहेंगे। जो भी वैक्सीनेशन होगी उसका रियल टाइम डेटा अपडेशन होगा, इसलिए हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि हर फैसिलिटी में, हर वैक्सीनेशन सेंटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो ताकि लाइव स्ट्रीमिंग डेटा की हो सके। अभी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हम लोगों ने की है और अनुमंडल और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी भी VC के माध्यम से इसमें शामिल थे और सबको निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि सभी मानकों का पालन करें और ये संभावना हो कि अगर पब्लिक आए भी तो भीड़ नियंत्रण वगैरह हम लोग रखें, ऐसी हम लोगों की तैयारी है। रूरल एरिया में जो आम लोग हैं वो किस तरह से वैक्सीन ले पाएंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा भी प्रथम चरण का में जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है उनका मैंने आपको वर्णन किया। इसके बाद जब सेकेंड फेज आएगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी हिसाब से जब आगे आने वाला फेज आएगा तो ग्रेजुअली फेज वाइज रोल आउट होगा, तो वो आपको समय आने पे जानकारी दे दी। सर, जागरूकता के लिए कुछ विशेष भी प्रयास किया जाए क्या? कुछ जगह र्यूमर है इस तरह का वैक्सीन को लेकर, जागरूकता के लिए क्या किया? देखिए, जागरूकता के लिए एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके अलावा IC मटीरियल स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है, अखबार में विज्ञापन भी विभाग भी दे रहा है। हम लोग भी यहाँ से IC मटीरियल अभी हम लोग उसको पूरा हम लोग प्लान कर रहे हैं, विभाग द्वारा दिया गया है और उसे भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे और जितने भी कर्मी हैं उन लोगों को भी ओरिएंटेशन के जरिए, जितने लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, एक तो आम पब्लिक हो गई और एक जो वैक्सीन जिनको लगने वाली है उनको भी ओरिएंटेशन सेशन किया जा रहा है और लगातार 15 तक हम लोग, इसीलिए अब डेली ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स मीटिंग भी होगी और इसके बाद में जो भी IC की एक्टिविटीज होंगी हम आपसे शेयर करेंगे।